नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुकते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। अयोध्या जिले में चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब मंदिर में रखे भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मामला हैदरगंज थाना क्षेत्र के खपरडिया स्टेट के श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट में चोरों ने अष्टधातु की 8 प्राचीन मूर्तियां पार करा दी। चोरी हुई मूर्तियां काफी पुरानी हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनकी कीमत करोड़ों में होने का अनुमान लगाया गया है। जिले में लंबे समय के बाद मंदिर से मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पुजारी से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई है। बीकापुर क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। मंदिर से 9 प्रतिमाएं चोरी की गई हैं, लेकिन एक प्रतिमा मंदिर में ही छूट गई है। चोरों ने मंदिर में रखी पत्थर की मूर्तियों को हाथ तक नहीं लगाया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। नाम है आपका? जी, तो ये जो मंदिर में चोरी हुई है, कब जानकारी हुई आपको? सुबह 6:30 बजे जब आए तब। जी, तो आपने कहीं इसकी जानकारी दी? रियास में हमने दिया, जिसका मंदिर है उसके यहाँ जा कर के दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जाने उनके यहाँ दे दिया। वो अपना जो है अपना उभरे, उसके बाद जो है अपनी पुलिस वाले आए। जी, तो कुछ क्या कितनी मूर्तियाँ गायब हुई लगभग? अब कुल 9 मूर्तियाँ गायब थी जो है जी, और एक वहाँ मिल गई बाद में जो है जी, और 8 गायब हैं। तो पुलिस ड्यूटी है? हाँ, पुलिस वाले हैं। सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि खपराडीह स्टेट का एक मंदिर है, उनका एक निजी मंदिर है, निजी ट्रस्ट है, उसी के अधीन मंदिर है। उस मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थी प्राचीन, जिनको सुबह पुजारी जब पूजा करने के लिए आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और वो मूर्तियाँ वहाँ पर नहीं रखी थी। इस बात की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस पहुँची, उसने छानबीन शुरू किया। जिन 9 मूर्तियों के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि वहाँ पर नहीं थी, उनमें से एक मूर्ति वहीं मौके पर गिरी हुई थी जो पुलिस की तलाश में वहाँ पर मिली, और 8 मूर्तियाँ वो अभी बरामद नहीं हुई हैं। इसके संबंध में ट्रस्ट की तरफ से, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। मौके की छानबीन करके डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें तथ्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।